लास्ट वीक मैं किसी से बात कर रहा था और उसने कहा कि कितनी टाइप की स्टोरीज हो जाती होंगी, एक दो तीन टाइप की। तो मैंने एज अ स्टोरी टेलिंग कोच एक चैलेंज लिया कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि 2024 में कैसी 24 टाइप की स्टोरीज आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ कोच, एज एन एंटरप्रेन्योर यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ऐसी 24 टाइप की स्टोरीज विच विल बी हेल्पफुल टू यू। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो 24 तरीके की स्टोरी, आप रेडी हैं क्या? लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, पर्सनल स्टोरी टेलिंग, जिसमें आप अपनी कहानियां, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं एंड यू गिव अ कॉल टू एक्शन। नंबर टू, ओरिजिन स्टोरी, आपका बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, आपका प्रोडक्ट कैसे बना, उसकी ओरिजिन स्टोरी। नंबर थ्री, सक्सेस स्टोरी, कैसे आपको अपनी लाइफ में, अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में, अपने कोचिंग में सक्सेस मिला, दैट इज सक्सेस स्टोरी। नंबर फोर, फेलियर स्टोरी, क्या तरीके के आपको फेलियर्स मिले, कहाँ कहाँ पे आप फेल हुए, कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कतें आई, दैट इज नंबर फोर। नंबर फाइव, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी, कैसे आपका पर्सनल या प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे आपका ग्रोथ हुआ, कैसे आपके अंदर रिजिलियंस डेवलप हुआ। नंबर सिक्स, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, आपने कैसे अपने क्लाइंट से स्टोरीज निकलवाई, आपने कैसे अपने क्लाइंट को इम्पैक्ट किया, उनको सेटिस्फाई किया, उनकी लाइफ में एक चेंज किया। नंबर सेवन, विजन स्टोरी, आपने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की या अपना बिजनेस स्टार्ट किया या अपना करियर स्टार्ट किया, आपका विजन क्या था और वो कैसे मेटेरियलाइज हुआ। नंबर एट, वैल्यू स्टोरी, कहाँ पे आपने अपने वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया या कॉम्प्रोमाइज किया, क्या आपके वैल्यूज थे जो अभी चेंज हो गए हैं, क्या चीज थी जिस पे आप अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, जो चीज आपकी कभी जिंदगी में चेंज नहीं होने वाली है। नंबर नाइन्थ इज इनोवेशन स्टोरी, कहाँ पे आपने कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नई सर्विस, कोई नया लाइन ऑफ बिजनेस का इजाद किया, इनोवेशन किया। नंबर टेन, कम्युनिटी स्टोरी, कहाँ पे आप एक ग्रुप का, एक कम्युनिटी का, एक समूह का पार्ट हुए और एक डिफरेंस पैदा किया, इट कुड बी वॉलेंट्री, इट कुड बी इनवॉलेंट्री एज वेल। नंबर इलेवन, यस वी लव दैट, एंड दैट इज ह्यूमरस स्टोरी, जहाँ पे आपको कुछ मजा आया, कुछ फनी था, इट डजंट हैव अ पॉइंट बट इट इज फन टू टेल दैट। नंबर 12, इंस्पिरेशनल स्टोरी, ऐसा कौन सा फिगर था, ऐसा कौन सा इंडिविजुअल था जिनकी स्टोरी आपको इम्पैक्ट की, जिनकी स्टोरी से इंस्पायर होकर आपने कुछ किया। एजुकेशनल स्टोरीज, ऐसी कौन सी स्टोरी है जिसको यूज करके आपको नॉलेज मिला, आपको स्किल्स गेन हुआ, दैट इज नंबर 13। नंबर 14, सोशल इम्पैक्ट स्टोरी, कौन सी ऐसी स्टोरी है जिसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया, सोसाइटी में कुछ चेंज पैदा किया। नंबर 14, बिहाइंड द सीन, सबको बाहर बहुत अच्छा अच्छा दिखता है बट बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, आपका कस्टमर के साथ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया बट बिहाइंड द सीन आपने डेट पूरा नाइट आउट किया या कितने सारे लोगों के साथ आपने फाइट करके वो किया, दैट इज अ स्टोरी कॉल्ड बिहाइंड द स्टोरी। नंबर 16, कस्टमर एक्सपीरियंस स्टोरी, कैसी आपकी प्रोडक्ट से कस्टमर को एक अजीब सा एक्सपीरियंस मिला, एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिला, एक बुरा सा एक्सपीरियंस मिला, दैट इज ऑल्सो अ स्टोरी, नंबर 16। नंबर 17, मेंटरशिप स्टोरी, आपकी लाइफ में कौन मेंटर था, किसने आपकी लाइफ को बहुत ही इनरिच किया, आपको ज्ञान दिया, दैट इज नंबर 17। नंबर 18, ब्रांड स्टोरी, आपका पर्सनल ब्रांड, आपका कंपनी का ब्रांड, आपका प्रोडक्ट का ब्रांड, उसकी स्टोरी क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है और उसकी जर्नी क्या रही है। नंबर 19, प्रोडक्ट और सर्विस स्टोरी, आपके प्रोडक्ट की सर्विस की क्या जर्नी रही है। नंबर 20, इंडस्ट्री इनसाइट, इस कोचिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री, दैट्स अ स्टोरी, और दिस इंडस्ट्री इज गोइंग डाउन, दैट्स अ स्टोरी, वी आर इनटू इंडस्ट्रियल एरा और आउट ऑफ इंडस्ट्रियल एरा, दैट्स अ स्टोरी। नंबर 21, थॉट लीडरशिप स्टोरी, कहाँ पे कौन से लोग हैं जिन्होंने अपना थॉट, अपना विजन लगा करके कुछ नया सोचा, जैसे बिल गेट्स हैड अ थॉट कि हर घर में एक कंप्यूटर होना चाहिए, दैट वॉज अ थॉट लीडरशिप स्टोरी। नंबर 22, क्राइसिस मैनेजमेंट स्टोरी, कहाँ पे बहुत बड़ा सा क्राइसिस हुआ था और उसको कैसे किसी ने अपने स्किल से, अपने लीडरशिप से, अपने कम्युनिकेशन से हैंडल किया। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम एंड विक्रम साराभाई, जब इंडिया कमीशन फेल हो गया था, एंड हाउ डिड द लीडरशिप शो देयर। नंबर 23, कोलैबोरेटिव स्टोरी, कोलैबोरेशन की स्टोरी, कैसे दो
अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड से आकर के एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज नंबर 23 एंड नंबर 24 द कॉल टू एक्शन स्टोरी। ऐसी कौन सी स्टोरी है जिसको लेकर लोगों ने एक्शन लिया, कौन सी ऐसी स्टोरी जिसका इम्पैक्ट बेहतरीन था कि लोगों को मजबूर होना पड़ा कि वो आपका सेल्स करें, वो आपका एक्शन लें, वो आपका चैनल सब्सक्राइब करें। दिस रिमाइंड्स मी कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो ये थी 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज, आई होप ये स्क्रीन पे आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगी। एंड एज आई से एवरी टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। The world needs better storyteller and it starts right with you. So take care, stay safe and stay blessed.